आज मैं आपको दिखाऊंगा भोगमालो रिजॉर्ट कार डीलक्स कार। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, मैंने इसमें चाबी लगाई है, तो आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी पुराना होटल है। और ये आपको सिर्फ चाबी लगाने से नहीं, वैसे ही पता चल जाएगा जब आप होटल में घुसेंगे या रूम में घुसेंगे। तो ये तो हो गई एक बात, पर अब अगर मैं रूम की और होटल की बात करूँ, होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है, एकदम एयरपोर्ट के साइड में है। और ये देखते हैं पहले बाथरूम। तो बाथरूम में स्टैंडर्ड फिटिंग्स है, ऐसा कुछ खास नहीं है, एक कमोड है और एक बाथटब है, क्योंकि अगेन पुराना बना हुआ है तो पहले बाथटब लग्जूरियस में आता था, इसलिए बाथटब है होटल में। बट अगर जगह देखेंगे तो जगह भी ठीक है, काफ़ी रखने की जगह हैं चीज़ें, तो ऐसे नहीं आपको चीज़ें रखने में दिक्कत आएगी, पर आपको ये बहुत हर कोना हर चीज़ ये एहसास दिलाएगी। हाँ, एक ये पुरानी प्रॉपर्टी है, छोटा सा फ्रिज है बियर ठंडी रखने के लिए, कॉफ़ी प्लेस है, इसके नीचे भी जगह है अपना बैग रखने के लिए, और बैग रखने के लिए वैसे काफ़ी जगह है। इन जनरल रूम में काफ़ी जगह है, काफ़ी स्पेशियस रूम है, ठीक है, बैठने के लिए भी जगह है और चेयर्स होती हैं रूम में दो, अभी नहीं है पर रूम में दो चेयर्स रहती है, एक टेबल रहती है, जो कि आप बाहर बालकनी में बैठ के जब ओशन का मज़ा ले रहे हो तो यूज़ कर सकते हैं। जो इस अगर आप मुझसे पूछे तो होटल की सबसे बड़ी खासियत है इसका ओशन व्यू जो आता है, बहुत शानदार व्यू है ओशन का। काफ़ी पुरानी कड़ी है ये, आप देख सकते हैं, और अब हम बालकनी में आ गए हैं। बालकनी जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बड़ी बालकनी है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे चेयर टेबल लगा के। और ये डोर जो कि आपको याद दिलाएगा फिर से कितना पुराना होटल पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन लिखा है कि इस डोर को निकलते ही बंद करें, वरना किसी ने मेन डोर खोला तो बहुत झटके से बंद होगा। पर अब मैं आऊँगा मेन जो इस होटल की अट्रैक्शन है और जहाँ पर आपके पूरे पैसे वसूल होंगे, वो है ये व्यू। बहुत प्यारा व्यू है बीच का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, हिल के साथ व्यू है, दूर एयरपोर्ट है, जैसे मैंने कहा एयरपोर्ट के पास है ये होटल, आप देख पाएंगे एयरपोर्ट के टावर्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है। आप कुछ नहीं तो बस पूरा दिन यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हैं और इसी से आपके पैसे बस हो जाएंगे। अगर आप टाइमली बुकिंग कराएंगे तो होटल काफ़ी डिसेंट रेट्स में मिल जाता है। अगर आपको और भी कुछ सवाल हो इस होटल के बारे में तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।